लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रशांत, प्रशांत मेरी बात तो सुनो। प्रशांत कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मानसी तो मेरे साथ चलो तो सही। लेकिन मेरी बात तो सुनो। हमारे रिश्ते को नाम देने के लिए सब लोग तुमसे पूछते हैं ना कि आखिर हमारा रिश्ता क्या है, हम एक दूसरे के साथ क्यों रहते हैं। आज के बाद तुमसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मानसी, आज देवी मां के सामने इन्हें साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा देने जा रहा हूं। मानसी, ये हम दोनों के लिए बहुत जरूरी हो गया है और इसके बाद अनीता को भी कोई शिकायत नहीं होगी। ओह, तो दूसरों को चुप करवाने के लिए तुम मुझे अपनी पत्नी का नाम देना चाहते? नहीं मानसी, दूसरों के साथ साथ अपनी खाते भी, ये मेरा फैसला है। और प्लीज अब तुम और कोई सवाल नहीं पूछोगी। प्रशांत, हम कहीं कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? नहीं मां जी, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। वैसे भी ये तो होना ही है, तो फिर इस काम में देरी क्यों? वो कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आज वो वक्त आ गया है।
रिद्धि कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ? सॉरी माँ, थोड़ी सी देर हो गई। गई कहाँ थी तुम? अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम? वहाँ क्या करने गई थी तुम? माँ, ये परोपकार का काम है। अनाथ बच्चों के साथ रहूंगी तो मन लगा रहेगा और नेक काम भी होगा। तुम सुबह की निकली हुई हो, किसी को बता के तो जा सकती थी। मैं कितना परेशान हो गई। माँ, मुझे लगा था कितना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इंचार से मिलने और बात करने में थोड़ी सी देर हो गई। मैं ये सब तुम्हें नहीं करने दूंगी तृप्ति। क्यों माँ, इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन यह उम्र नहीं है तुम्हारी सेवा सत्कार करने की। तुम्हें अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। जो करनी ही नहीं उसके बारे में सोचना क्या? शादी करके देख ली, पति का रिश्ता निभा के देख लिया, अब अकेले रहना चाहती हूँ। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चाहती हूँ। सचमुच तुम अपने लिए जीना नहीं चाहती? जी तो लिया इतना, अब यह जिंदगी दूसरों की सेवा में बीत जाए बस इतना ही काफी है। तृप्ति, अभी तो मेरा जिंदगी से मोह नहीं छूटा है। तुम्हारे बाबूजी ने कितनी बार कहा कि हरिद्वार चलते हैं, आश्रम में रहते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकती। तृप्ति, अपना घर बसा लो बेटी, घर परिवार में जो सुख है वो कहीं नहीं है। माँ, मैंने फैसला कर लिया है। तो फिर तुम अपना ये फैसला बाबूजी को क्यों नहीं सुना देती हो? वो तुम्हारे रिश्ते के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। हम तुम्हारा भला चाहते हैं और तुम ये राग अलाप रही हो। भांजे, मामा जी आप यहाँ? हाँ, हम देखने आए थे कि आजकल तुम हो कहाँ और क्या हो रहा है ये सब। मामा जी आप अच्छे मौके पर आए। मेरे परिवार में आपके अलावा कोई और बड़ा बुजुर्ग नहीं है। भांजी, मामा जी आशीर्वाद। क्यों, ये क्यों पैर छुएगी मेरा? मैं कोई तीर्थयात्रा से लौटा हूं क्या? मामा जी, एक्चुअली मानसी ने और मैंने एक दूसरे से शादी की। तुमने शादी कर ली? हाँ मामा जी, मानसी आज से मेरी पत्नी। हाँ मामा जी, आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? दूर, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। इसकी मांग में सिंदूर भर देने से ये तुम्हारी पत्नी हो गई? नहीं मामा जी, हमने देवी माँ को मंदिर में साक्षी मानकर शादी की है। लेकिन मैं इस शादी को मान्यता नहीं देता। मामा जी, आपके माने या ना माने से क्या होता है? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तूने तो यही चाल चली है मेरे भांजे को फंसा कर शादी करने की। मामा जी, भांजी तुम अंदर जाओ। ठीक है प्रशांत। मां, मैंने कहा ना, जा। शादी पंडित के मंत्रोच्चार और नाते रिश्तेदारों के बीच में होती है, ऐसे शादी नहीं होती है। तूने तो ये सिर्फ में एक मजाक किया है, इस बीमारी को गले लगाकर अपनी बर्बादी की है। मामा जी, आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो मेरी पत्नी है, और आपको मेरी पत्नी का अपमान करने का हक नहीं है। हक तो तूने सारे गंवा दिए। इतने बड़े खानदान अनीता का रिश्ता ठुकरा दिया इसके लिए? अरे मैं तो आया था तुझे यहां समझाने, लेकिन आज यहां से अपनी इच्छाओं की लाश लेकर जा रहा हूं। अरे इससे शादी करके तुझे क्या मिल जाएगा, सोचा है तूने? ये जो एक चुटकी सिंदूर इसकी मांग में भरी है ना, इसके लिए पछताएगा तू। मामा जी, मैंने पछताने वाला कोई काम नहीं किया है। मैंने जिससे प्यार किया है उससे शादी की है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरे अभी तुझे सही गलत की पहचान कहां से होगी? अरे तू इस लड़की के लिए मरा जा रहा था, इससे शादी करने के लिए? यही समझ लीजिए, मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूं कि मानसी ने मुझे एक्सेप्ट किया। अब हम हमेशा पति पत्नी बनकर रहेंगे। अरे गधे,
पागल पागल है तू। अरे तू इतना नीचे गिर जाएगा इस बात की मुझे उम्मीद नहीं। मामा जी बस करिए। प्रशांत दिस इज टू मच। मैं तुम्हारे इस मामा जी की बातें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा जी आप यहां से चले जाइए। अगर आप मेरे रिश्ते का सम्मान नहीं कर सकते तो मैं आपका क्या अपमान करेगा मारेगा हमको। अरे मार ना मार। अरे अपनी इस जिसको तू अपनी पत्नी बोल रहा है इसके सामने अपने मामा को मार। अरे इसके लिए शादी का नजराना हो जाएगा ये खुश हो जाएगी। मार ना। मामा जी प्लीज आप यहां से चले जाइए प्लीज। सुना नहीं आपने? जा रहा हूं लेकिन जाने से पहले इतना सुन ले ये तेरी शादी कामयाब नहीं होगी। ये श्राप है मेरा श्राप है मेरा। Just shut up. मां नाराज हो गई क्या? इस घर में किसी को मेरी नाराजगी की परवाह ही कहां। मेरी बेटी होकर भी तुम अगर मेरा कहना नहीं मानना चाहती हो तो जो मर्जी आए वो करो। राहुल से शादी करने का भी फैसला तुम्हारा ही था पर ये फैसला भी। मां मैं क्या करूं मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराना चाहती। हर लड़का राहुल जैसा बेईमान नहीं होता है बेटे। अगर भगवान ने चाहा तो किसे तुम्हें ऐसा लड़का मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी की अंगूठी में हीरा बन के चमकेगा। अब शादी की कोई चाहत नहीं रह गई है माँ। क्यों ऐसी क्या उम्र हो गई तुम्हारी? अभी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगी तुम? तभी तो उन बच्चों के साथ बिताना चाहती हूँ। वो बच्चे के तुम्हारे साथ 24 घंटे रहेंगे तृप्ति। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? माँ बाप जवान लड़की का घर बसा देखना चाहते हैं उसे किसी अनाथ आश्रम में नहीं। माँ मैं शादी करके जिंदगी नहीं बिताना चाहती। ये शादी पति इन सबके नाम से मुझे नफरत हो गई। ये रिश्ता मुझे कोई खुशी नहीं दे सकता। दूसरों की सेवा भी तब की जा सकती है जब इंसान अंदर से मजबूत हो। परिस्थितियों के साथ समझौता करना सीखो तृप्ति। क्यों इस उम्र में हमारी फिक्र बढ़ाना चाहती है? माँ मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी चिंता ना रहे। अनाथ आश्रम जाऊंगी तो मन लगा रहेगा। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। आप लोगों पर कब तक बोझ बनी रहूंगी? कोई लड़की अपने माँ बाप पे बोझ नहीं होती है तृप्ति। तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे लिए रिश्ता देखने गए हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे बेटे। प्लीज माँ हाँ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मुझे शादी के बंधन में बांधने की कोशिश मत कीजिए। पूछ सकता हूं मैडम कि आप क्या सोच रहे हैं? प्रशांत मैं ये सोच रही थी कि लोग हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। मानसी हमने ये शादी लोगों के लिए नहीं की बल्कि खुद के लिए की है। अब तुम पूरी तरह से मेरी हो इसलिए तुम्हें लोगों की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। जानती हो मानसी आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। सब कुछ आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। प्रशांत तुम सचमुच पागल हो। वो तो मैं हूं मानसी। अगर मैं पागल नहीं होता तो तुम्हें पता कैसे? और अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या हाल है। ओह प्रशांत अगर तुम्हारी शादी किसी और लड़की से होती तो तुम उसे भी ये कहते थे ना। क्यों ये क्या कह रही हो तुम? शायद तुम्हें मेरे प्यार का अंदाजा नहीं है। मुझे
मानसी, अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं किसी भी लड़की के साथ कर सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए थी। ओ, तो मिस्टर प्रशांत, मुझ में ऐसी क्या खास बात है? तुम बहुत खास हो। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था ना, तो मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी और तुम ही मेरी गाइडलाइन बन सकती हो। मैं गाइडिंग लाइट? मानसी, मैं सच कह रहा हूं, तुम मेरी जिंदगी की वो आखिरी पसंद हो जिसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। मानसी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे अलावा किसी और के? प्रशांत, तुम वाकई में पागल हो। अगर ऐसी बात होती तो मैं तुम्हारे हाथ से अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती? मैं सचमुच में पागल? देखो ना, आज हमारी सुहागरात है और मैं कैसी बातें कर रहा हूं। एनीवे, तुम ये बताओ, आज की रात हमें यहां सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर कहीं और चलना चाहिए? बोलो। कहीं और का क्या मतलब है प्रशांत? मेरा मतलब है कि कहीं शहर से बाहर चलते हैं, किसी होटल में चलते हैं। आखिर ये हमारी फर्स्ट नाइट है। और अब तो मैं तुम्हारा पति, तो अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा ना? प्रशांत, तुम्हें एक बात अच्छी तरह समझनी होगी। वो क्या मानसी? वो यही कि प्रशांत, आज जो भी हुआ, मंदिर में जाकर मेरे मांग में सिंदूर भरना, ये मेरी अपनी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने तब भी एतराज नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। और जहां तक रही बात पति पत्नी की, तो हमें एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। क्या मानसी, शादी होने के बावजूद भी तुम्हें वक्त चाहिए? मानसी, एक बात समझ लो, अब मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता, समझी तुम?